सबको प्रणाम। आज हम लोग संपूर्ण स्वदेशी का प्लेटफॉर्म पे पहली बार जो है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो आचार्य जी के थ्रू कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने वालों को। ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है समाज का स्वस्थ हो, मतलब हेल्थ और आध्यात्मिकता, वेलबीइंग, मतलब हर एक चीज इसमें जुड़ जाती है। तो अगर ये एक अंग मिस होने से क्या होता है, आज का स्थिति आप देख सकते हैं। आज जो है पेपर के ऊपर नंबर डाल के उसको मनी समझते हैं। आचार्य जी बोले थे रियल मनी जो है कृषि और गाय के सेंटर में रहता है बोल के। रियल इकोनॉमी वो है, पेपर के ऊपर नंबर डालने से मनी नहीं होता। और जो है जहर को अन्न समझ कर खा रहे हैं और स्पेकुलेशन को ज्ञान समझ के ले रहे हैं, तो और जो केमिकल को दवा समझ के ले रहे हैं। तो रियल क्या है? रियलिटी आयुर्वेद है, रियल एजुकेशन गुरुकुल का है, ये अपौरुषेय है। तो ये डिसेंडिंग से आता है, ये ज्ञान जो है डिसेंडिंग प्रोसेस से मिलता है। तो ये जो है अभी असेंडिंग में जो है, मैं एक दिन ऐसा हो सकता है जो मॉडर्न ज्ञान है ऐसा है बोल के जो बोलते हैं ना, ऐसा है जो चीज एज इट इज बोल ज्ञान बोलते हैं ना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो वैदिक नॉलेज है, जो शास्त्र गुरु शास्त्र साधु से हम लोग मिलते हैं। आचार्य जी का जो है 14 ईयर्स संस्कृत में विद्याभ्यास हुआ था और पिछले 12 साल से जो है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम भारत में लेके आने के लिए दिन रात काम करते हैं। तो इसमें ये की विनती है, तो अकेले जो है एक आदमी से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगी। अब कितने लोग जानते हैं, अभी सिंगापुर शिव प्रसाद जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? 11:30 बज रहे हैं, उनका जो है 1 बजे तक सेशन चलता है। ये क्यों? वो दिन रात भारत के लिए क्यों वो नींद छोड़ के काम कर रहे हैं? तो हमारा जो है कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज सीखने के लिए ये क्वालिटी जरूरी है, वो ग्रेटिट्यूड है। तो वो ग्रेटिट्यूड जो है हमारा जो गुरु का मिशन से हमें जोड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये मिशन में जोड़ने के लिए हमें इंस्पायर करती है। तो प्लीज बी पंक्चुअल, ये जो सीरियस ज्ञान है आपको हर एक चीज मिलेगा, आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैदिक मैथमेटिक्स मिलेगा, खगोल शास्त्र मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा, गुहादर कृषि, सब कुछ आचार्य जी देने के लिए तैयार है। लेकिन आपके तरफ से प्लीज 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 आपका चरणों को छू के नमस्कार करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हम लोग मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। प्लीज प्लीज हेल्प इन दिस मिशन, जस्ट स्प्रेड कीजिए। मैं हम लोग आपसे मिराकल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक आदमी को तो जोड़ सकते हैं, कम से कम 500 लोग ग्रुप में है, पार्टिसिपेंट तो बन सकते हैं, तो इतना तो प्लीज है प्लीज। और आचार्य जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। तन्वन्तरि समारम्भां शिवकाचार्यस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम। जैसे राजेश्वर राव जी ने बताया था, मैं पहले से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहली दो मीटिंग, तीन मीटिंग गुरुकुल शिक्षा के ऊपर हो गई है, हमको ये लगा कि बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दे, वो तो हम देते ही है और एक हमारी परंपरा है। उससे पहले बड़ों को ये शिक्षा हम लोगों को पहले समझ के स्तर पर जान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि मिथ्स कुछ आयुर्वेद के विषय में मिथ्स है, कुछ धर्म के विषय में भी है, लेकिन आयुर्वेद के विषय में ज्यादा है, उससे भी ज्यादा मिथ्स है वो गुरुकुल के विषय में। आज सबसे ज्यादा जो मिथ्स है वो गुरुकुल के विषय पर है, क्योंकि गुरुकुल जो सामने आया वो एक काल के अनुसार उसका एक प्ररूप था, स्वरूप था, और लोगों ने ये मान लिया कि ये तो बस यही गुरु। तो ये हम थोड़ा विचार करेंगे कि गुरुकुल शिक्षा क्या है। सबसे पहले तो उसका मतलब प्रारूप क्या है, उसकी दायित्व क्या है। ये एक सिस्टम, शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था जो हजारों हजारों साल टिकी, और वो कब टिकी? तब टिकी जब यूरोप देखिए और कंट्रीज देखिए, उसमें कोई शिक्षा के विषय का कोई भी मतलब कोई एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा भी वहां पर प्रयोग नहीं था। स्कूल जैसी कोई सिस्टम उस समय नहीं थी,
उस समय गुरुकुल जैसी शिक्षा व्यवस्था आकाश को छूती थी। एक बहुत ही बड़े स्तर पर मनुष्य निर्माण का, एक मनुष्य के मूल्यों का वर्धन का यहाँ पर कार्य हुआ था। तो जहां पर गुरुकुल शिक्षा आकाश को छुई तो सारी व्यवस्था हमारी आकाश को छू गई। अब देखिए, कृषि आकाश को छू गई, व्यापार आकाश को छू गया, चिकित्सा व्यवस्था आकाश को छू गई। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये गुरुकुल शिक्षा से हुआ। गुरुकुल शिक्षा एक बार ऊपर गई, कितना भी लोग बाहर के आए वो बताते थे कि भारत का व्यक्ति नैतिकता में वर्ल्ड का बेस्ट व्यक्ति है। नैतिकता वो एक बार बोलेगा तो करेगा ही, मतलब उसने जो भी वादा किया है, उसने जो भी व्यापार में सौदा किया है वो पूरा करेगा। उसका एक विश्वास बना पूरे धरती पर, पूरे विश्व में भारत का एक स्थान बना। वो ऐसे ही नहीं बन गया। चिकित्सा ऐसी ही नहीं आ गई सबको, अर्थव्यवस्था ऐसे ही ऊपर नहीं गई। परिवार व्यवस्था जो सबसे पहले भारत में देन है, जिसके परिवार व्यवस्था सबसे पहले भारत ने दी और आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट जिस कंट्री में मानी जाती है वो भारत में ही मानी जाती है परिवार व्यवस्था, क्योंकि मेरे से अमेरिका वाले भी जुड़े हैं, सिंगापुर वाले तो भी आयोजक ही है हमारे, संपूर्ण स्वदेशी वाले, और भी बहुत सारे मित्र मेरे सिंगापुर में भी काम कर रहे हैं, कतार में है, दुबई में है, मेरी लगभग लगभग हर एक अफ्रीका में है। तो हर एक कंट्रीज में मैं ये देख रहा हूँ कि परिवार व्यवस्था वहां पर जीरो है। जब भारत ने परिवार व्यवस्था को जन्म दिया तो हजारों साल परिवार व्यवस्था टिकी। भारत का प्रयोग हजारों साल टिका, कोई भी प्रयोग हो, चाहे कोई भी व्यवस्था का प्रदान, तो किसके कारण टिका? उसके पीछे एक सिस्टम बनाई गई कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को एक तैयार करे निस्वार्थ भाव से, और उसको ये पर्सनालिटी को, ये कैरेक्टर को गुरु ऐसा नाम दिया गया। गुरु कोई गद्दी पर आने वाला नहीं है कि बाप गया और बेटे को रख गया, तो ये कोई गुरु नहीं है। और गुरु नहीं तो कपड़े से कोई हो जाता है, नहीं तो इतना आसान था। तो गुरुपद वो आचार्य से संबंधित था, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा का कार्य कर रहा था। और केवल शरीर से स्वस्थ हो, मन से व्यक्ति स्वस्थ हो और आत्मा से स्वस्थ हो, वो तीनों की स्वस्थता का कार्य गुरुकुल करता। और तीनों की स्वस्थता देखिए डिवाइड हो गई। जहां पर हम शरीर के लिए जाते हॉस्पिटल में, वहां मन का कोई ठिकाना नहीं, वो लूटने बैठे आपको, तो वो मन से हमको भाता ही नहीं है। शरीर हम जाते हैं शरीर से, लेकिन मन ऐसा लगता है कि कब मैं हॉस्पिटल न जाऊं, हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊं, कब मैं हॉस्पिटल, एक भयान्वित स्थान बन गया। गुरु का स्थान ऐसा था, वहां भय नहीं था। शरीर की भी ट्रीटमेंट होती थी, मन की भी होती थी, वहां काउंसिलिंग होता था, और तीसरा आत्मा की। ये तीनों चिकित्सा एक जगह पर हो, ऐसा स्थान दुनिया में कहीं पर बना नहीं, वो मात्र एक बना और वो गुरु बना, क्योंकि वहां का आचार्य शरीर के स्तर का, मन के स्तर का, आत्मा के स्तर का नॉलेज रखता। तो ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतने आसमान को छुई, पूरे जगत में गुरुकुल शिक्षा को देखने के लिए, गुरुकुल शिक्षा के विषय पर जहां जहां भी बात गई, वहां वहां पहली कोई बात विदेशियों ने जो भारत की देखी, वो शिक्षा व्यवस्था की एक अविच्छिन्न परंपरा, उससे वो प्रभावित हो गए। और आपको पता होगा, चेन्नई में जब मद्रास कहा जाता था जब अंग्रेजों के टाइम पर, तो एंड्रू बेल ने तो इसके नाम पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो केवल भारत के ही मॉनिटर को लेकर, चिंतनिका पद्धति को लेकर उसने वहां शुरू की थी। ऐसे बहुत सारे विदेशी लोग थे, यहाँ पर से कुछ सीख कर गए, अपने यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, और आज भी वो उपकारी है भारत की, ऐसा वो मानते। यहाँ से न जाने कितने लोग पढ़कर गए, कितने मतलब लोग यहाँ से सीखे, भारत से गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से सीखे, और एक अविच्छिन्न परंपरा को सीखे जो हजारों हजारों साल से गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान संक्रमित। तो भारत का एक सिंपल नियम था, सबसे पहले ज्ञान पहले अप्लाई होता है और बाद में ही सप्लाई होता है। ज्ञान जब से अप्लाई होने से पहले सप्लाई होने लगा, तब सारी की सारी विकृतियां आने लगी। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो पहले अप्लाई होता है और बाद में ही वो सप्लाई हो सकता है, और वही आसानी, और गुरु शिष्य परंपरा में वो होता था, इसलिए उसका नाम आचार्य था। क्योंकि आचीन होती च शास्त्राणी आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते।
पहले जो आचरण करता है उसी को आचार्य कहते हैं। आचरण जिसका नहीं है, जो जीवन में नहीं ला पाता है, जो डेडिकेटेड नहीं है, जो व्रत वाला नहीं है, जिसके पीछे कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आचार्य। तो वो आचार्य का जय राजेश्वर राव जी ने बोला डिस्टेंडिंग हुआ। अब उससे तो हुआ ही, अपने स्तर से वो नीचे गिरा। वो हम उदाहरण द्रोणाचार्य का देख सकते हैं, वो तो बहुत ऊपर थे। द्रोणाचार्य तो भी नीचे आए लेकिन बहुत ऊपर। यहां पर आई शिक्षक के पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रहा, शिक्षक के पास जीवन की कोई धारणा नहीं रही, और ये स्कूलिंग सिस्टम का धीरे धीरे स्वरूप आ गया। वो हम आज देखते अंग्रेजों ने वर्षों पहले ये जान लिया कि भारत को गुलाम बनाना है, भारत को अर्थ से यदि नीचे गिराना है, भारत को सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना है, तो सबसे पहले किस पर काम किया जाना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर ही काम किया जाना चाहिए। वो बौद्धिक लोग थे। अंग्रेज प्रजा जगत की सबसे बौद्धिक प्रजाओं में से एक मानी जाती है। वो राजस है, इसलिए उसकी माइंड ऐसी चली, उसकी बुद्धि राजसिक प्रवृत्ति में चली। तो उनको ये ध्यान में आ गया कि अच्छा शिक्षा व्यवस्था पर। गुरुजी, तो आपको पता होगा, हाँ म्यूट हुआ, आपको ये पता होगा कि आपको पता होगा कि ये शिक्षा व्यवस्था, उन्होंने देखा कि इसके मूल कहाँ है, इसके फल ऐसे है, इसके पत्ते ऐसे हरे भरे है, ये वृक्ष इतना बड़ा है, ये कहाँ से पोषण लेता है? मूल से लेता है। तो मूल क्या है? तो उन्होंने देखा इसका मूल एक मैन मेकिंग सिस्टम है। ये कोई व्यापार मेकिंग नहीं था, लेकिन वो व्यापार बड़ा सा बनता था। इसमें कोई एक व्यवस्था का मेकिंग नहीं था, इकोनॉमी मेकिंग नहीं था, मनी मेकिंग नहीं था, लेकिन ये सारी व्यवस्था डेवलप होती थी मेन से, क्योंकि यहाँ पर मेन मेकिंग सिस्टम थी। और मेन मेकिंग सिस्टम को ही गुरुकुल व्यवस्था नाम दिया गया, जहां पर केंद्र में ही मनुष्य है, जहां पर से शुरू होती है यात्रा जीवन की। तो उन्होंने देखा कि ये जब तक रहेगा तब तक तो ये देश को संभव नहीं है, हम किसी भी तरह से वैचारिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से हम गुलाम बना पाए। उसका एक बड़ा इतिहास धर्मपाल जी ने लिखा है, बहुत ही रोचक इतिहास है। मैं कभी यथार्थ इतिहास की बात करूंगा तो उसकी बात करूंगा। एक 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 गुरुकुल के इंसिडेंट्स मेरे ध्यान में है, गुरुवर्य से मैंने सुने हैं, एक 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 का अध्ययन किया है, क्या क्या भारत के साथ हुआ और क्या भारत की स्थिति थी, वो मैंने बहुत नजदीकी से देखा है गुरु जी के जीवन से। ये मैंने सुनी है यद्यपि बात, लेकिन मैंने तद्रूप होकर अनुभव किया है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने वो बात सुनी नहीं थी, गुरु जी खुद जिए थे। गुरुकुल शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी जीवन न्योछावर किया था, और ये केवल 50,000 1,00,000 लेने वाले गुरु होते तो सामान्य व्यक्ति तो मैं भी वहां पढ़कर आ जाता और मैं भी एक दुकान खोल देता कि चलो मैं भी कोर्स करवाता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ 40,000 वाला। गुरुजी ने मेरे से 1,00,000 लिए तो मैं विचार करता कि मैं 5,00,000 लूँ। गुरुजी ने सबसे पहले सिखाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मुझे मनुष्य तैयार करना है, आदर्श मनुष्य तैयार करना है, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, त्याग करना पड़े, मैं तैयार हूँ। क्योंकि यदि ऐसा तैयार करना है तो हमारा जीवन का स्टैंडर्ड एक लेवल का जब तक नहीं होता है तब तक पैसे मिल जाते हैं, ग्राहक भी मिल जाते हैं आज पूरी जगह पे, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं होगा। और यदि मनुष्य हम तैयार नहीं कर पाए तो सारी फैक्ट्रियां करती, सारी लेबोरेटरी करती, सारा विकास करती, और सारा व्यर्थ। और आज हम इसकी व्यर्थता को देखते हैं। गुरु जी का एक मकसद था, एक लक्ष्य था कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का जो अंतिम चरण है बिंदु, वो है मनुष्य को उत्तमता से तैयार करना। तो ये उन्होंने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर किया। उनका जीवन देखकर हमको ऐसा लगा कि जीवन में जो भी कुछ पाना है वो यही पाना है, बाकी के सब तो खेल है, बाकी का सब तो आएगा जाएगा रहेगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए हम लालच में नहीं आएंगे, लोभ में नहीं आएंगे, कहीं पर भी अपने सिद्धांत को कभी भी दांव पर नहीं लगाएंगे और गुरुकुल करेंगे। अब वहां से लेकर अभी तक की जो गुरुकुल शिक्षा है वो धीरे 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 किस तरह से खत्म हुई, उसकी बात अभी तो बहुत बड़ा विषय है वो, लेकिन मैं थोड़ा करूंगा कि ये गुरुकुल शिक्षा एक उत्तम थी। वहां पर अर्थ का विचार नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए,
गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जब आकाश को छूती थी तब भारत की अर्थव्यवस्था और भी आकाश को छूती, इसलिए कोई ये न समझे कि गुरुकुल मतलब वहां पर बस केवल भजन कीर्तन और जप जापी सिखाते हैं, भगवान भगवान करना सिखाते हैं और वहां पर कोई और उद्योग नहीं होता है और कुछ नहीं होता है। वो मध्यकालीन आश्रम की व्यवस्था है, जो इस प्रकार के आश्रम निष्क्रियता वाले बने कि वहां पर भोजन चल रहा है 24 घंटों, जो आता है वो मुफ्त में भोजन करने जाता है, आता है तब आता है, जाता है तब जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है और केवल भजन करते हैं और भजन के अलावा और कुछ जानते नहीं। तो ये एक भ्रांति हुई कि ये गुरुकुल शिक्षा नहीं, गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल पे सभी विद्या का नियमित रूप से अध्ययन होता था, गुरु कमिटेड गुरु था। आज भारत में कितने कमिटेड टीचर होंगे? 5% भी नहीं, 5% भी नहीं, जो केवल अपनी जिम्मेदारी समझकर पढ़ा रहा हो, बच्चों का विकास देखकर पढ़ा रहा हो, इतने कितने शिक्षक हैं। मैं तो आज तक मिला, मैं जब 100 शिक्षकों को मिलता हूं तो मुझे पूरे 2 नहीं मिलते, तो 5 तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, आज 1% नहीं है जो डेडिकेटेडली हृदय से पढ़ाता हो। और जब तक शिक्षा हृदय से नहीं निकलती है ना, तब तक सारे पुस्तक थोथे हैं। जीवंत व्यक्ति जब तक पढ़ाता नहीं है तब तक आप बहुत कुछ मनुष्यों को पढ़ा नहीं सकते हो, तब तक वो केवल रटा रटा या ज्ञान होता है, वो केवल एक माहिती होती है, इंफॉर्मेशन होता है। वो आपको कंप्यूटर भी देती है, मोबाइल भी देता है, गूगल भी देता है, बहुत लोग देते हैं। तो ये गुरुकुल की व्यवस्था बिगड़ी बाद में, उसके बहुत सारे कारण है। अंग्रेज आए, उन्होंने सिस्टमेटिकली लॉ का उपयोग करके, न्याय व्यवस्था का उपयोग करके, अपनी बनाई हुई न्याय व्यवस्था का उपयोग करके गुरुकुल सिस्टम को लीगल घोषित किया, इंडियन एजुकेशन एक्ट के द्वारा 1854 में पहली बार हुआ। और उसके बाद 1935 में उसका जब एप्लीकेशन हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत में कुछ कुछ घटनाएं घटी, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 3 यूनिवर्सिटीज बनी, बाकी ये पूरी हिस्ट्री मुझे पता है और सुनने जैसी भी है कि किस किस तरह से कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, वो सब मुझे पता है। मैं एक एक विषय क्या क्या पढ़ाए जाते थे, किस तरह से पढ़ाए जाते थे, कौन सी पद्धति से पढ़ाए जाते थे, वो मैं कह सकता हूँ। वो गुरु जी से मैंने अच्छी तरह से सुना है, सालों बैठकर सुना है। तो ये एक इस तरह से गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था धीरे 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 विकृत स्वरूप में आ गई, क्योंकि जब से इलीगल हुई तब से गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में ब्रेन आना बंद हो गया। आप जानते हैं कोई भी व्यवस्था में यदि ब्रेन नहीं आता है तो क्या हो? तो वो व्यवस्था विकृत हो जाती है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसमें यदि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आता है तो भीड़ लग जाती है बाद में आपकी बुद्धि चलाने का कोई अवसर वहां आता नहीं है, और आप चलाते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है। कोई भी व्यवस्था हो, सेम ऐसा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के साथ हुआ, यहाँ पर ब्रेन नहीं आया। भारत ने शिक्षा व्यवस्था को निःशुल्क रखा, इसका एक बहुत बड़ा दर्शन भारत के पास, और वो वर्ल्ड को अनुसरण करने जैसा है, तभी व्यक्ति में मानवता आ पाएगी। आज आप देखते हैं आयुर्वेद आयुर्वेद सब करते, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर जो निकलते हैं, हम उसको मेडिसिन का एक्सपर्ट कह सकते हैं, ये मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसको वैद्य नहीं कहता हूँ, मैं उसको मेडिसिन का एक्सपर्ट कहता हूँ, आयुर्वेद मेडिसिन एक्सपर्ट, ये इसका नाम है, वैद्य नहीं। क्योंकि वैद्य के जो 4 गुण है उसमें ये चौथा गुण है शुचि, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचिर्भिषक, ये 4 गुण। आज आयुर्वेद कॉलेज करती है, सब लोग आयुर्वेद कॉलेज करते हैं, पॉलिटिशियन जितने भी है उसकी सबकी एक एक आयुर्वेद कॉलेज है। उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज क्यों की है? आयुर्वेद धनवंतरी ने दिया है, चरक ने दिया है, इसलिए नहीं। आयुर्वेद कॉलेज की मंजूरी आसानी से वो ले सकते हैं, और आयुर्वेद कॉलेज करके विद्यार्थियों के पास से ईयरली 20-20 लाख ले सकते हैं, जिन विद्यार्थियों को गवर्नमेंट में जगह नहीं मिली, और वो 20-20 लाख रुपए लेकर जो विद्यार्थी जाएगा वहां पर एडमिशन लेगा, ईयरली 20 लाख या फिर 2-2 लाख देगा, वो आपको लगेगा उसमें सेवा का भाव आ जाएगा, वो देख रहा है कि ये कॉलेज वाला कॉलेज डालकर मुझे लूट रहा है, वो शिक्षा लेगा मुझे भी क्लिनिक डालकर लोगों को लूट। एक आदमी गलत करता है तो वो अकेला नहीं करता है, वो गलत की परंपरा शुरू करता है, और एक आदमी जब अच्छा करता है ना तो एक आदमी अच्छा नहीं करता है, वो एक अच्छे लोगों की परंपरा शुरू कर देता है, वो
वो एक आदमी जब अच्छा कदम बढ़ता है ना, दूसरों में वो भाव जगा देता है कि कोई व्यक्ति यदि निस्वार्थ कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना जीवन लगा सकता है, तो मैं डेफिनेटली अपने घंटे तो लगा सकता हूँ, अपने दिन तो लगा सकता हूँ, और यदि ये जी सकता है तो मैं भी इस तरह से जी सकता हूँ। वो एक आदर्श खड़ा करता है समाज के सामने। ये समाज का आदर्श खड़ा करना जो होता है वो शिक्षक ने नहीं किया। हर एक शिक्षक आज अपनी सैलरी का सोचने लगा। पहले शिक्षक की सैलरी नहीं पूछी जाती थी, और अभी इतना नीचे गिर गया कि अब उसकी गैलरी नहीं देखी जाती। तो गैलरी में क्या क्या होता है उसका, पहले सैलरी में ऐसा था, पहले सैलरी नहीं पूछी जाती, अब गैलरी नहीं देखी जाती, क्योंकि उसमें शिक्षक इतना गिर गया। अब आपको लगता है क्या आपके बच्चों को ये शिक्षक कुछ ध्येय दे पाएंगे, उसके जीवन में कुछ है क्या, ये बताइए आप मुझे। और आपके शहर में है तो आप मुझे अवश्य बताइए ऐसे शिक्षक। हम यहाँ से बच्चों को भेजेंगे या वहीं के बच्चों को भेजें, ऐसे शिक्षकों को हम ढूंढेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। एक आशा का कोई किरण है अभी, एक इतने धूप में भी कोई एक छांव का किरण है, तो वो गुरुकुल शिक्षा है। वो जितना जल्दी हमको समझ में आएगा उतना जल्दा हमारा कल्याण, जितना जल्दी आएगा। गुरुकुल के सिवा किसी का भी कभी भी उद्धार नहीं था, अभी भी नहीं है। तो यदि मनुष्य की बात करनी है तो पैसे की, यदि आपको बात करनी है, सक्सेसनेस यदि पैसे से ही नापी जाती है, तो डेफिनेटली चंबल खीण के डाकू है वो बहुत सक्सेस है, क्योंकि वो बिना इन्वेस्टमेंट वाला व्यापार करते हैं, सीधा घूमते हैं। यदि चंबल खीण के डाकू को यदि आप आदर्श नहीं मानते, केवल पैसे से आदर्श नहीं मानते हैं, तो आपको भी ये शिक्षा व्यवस्था में केवल पैसे वाला आदर्श की विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। इसलिए गुरुकुल पे जो एडमिशन लेगा उसको कौन से प्रश्न नहीं पूछने हैं वो हमको आज कहना पड़ता है। वो बड़े बड़े संप्रदायों में जाते पूछते हैं, गुरुकुल के पास कितनी जमीन है, ये कोई, ये आपको लगता है वाजिब क्वेश्चन है कोई, उसको जमीन क्या एक बच्चे को 3 बीघा चाहिए रहने के लिए, 5 बीघा में वो सोएगा कि 10 एकड़ में सोएगा वो बच्चा, क्या काम है उसका, जमीन कितनी है, किसके नाम पर है, किसका चाहे, वो अनावश्यक प्रश्न होते। वही आप दिखाते हैं कि आप क्यों भेज रहे हो बच्चों को। आप ये नहीं पूछते कि ज्ञान किसमें कितना है, आचार्य जी के कितने विषय पढ़े हैं, ये नहीं पूछते। जमीन कितनी है, वहां कितना है, पैसा कितना है। तो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को समझे, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, और बच्चों का कल्याण करना है यदि हमको वास्तव में भारतीय संस्कृति सिखानी है वास्तव में, आप घर पर कभी नहीं सिखा सकते हैं, ये गारंटी है। तब यदि घर पे सिखाया जाता तो बहुत लोगों ने सिखाया होता, तो क्या करें, तो गुरुकुल एक रास्ता है। अब गुरुकुल में कोई लोग नहीं आ सकते, वो क्या करें, वो खुद सीखे और खुद सीख कर बच्चों को सिखाए, ये एक अच्छा रास्ता है। खुद सीखे, खुद सीख कर बच्चों को सिखा, ये नहीं कहते सब गुरुकुल में आए, नहीं आए जब तक नई व्यवस्था है तब तक खुद सीखे। तो गुरुकुल इतनी उत्तम व्यवस्था थी, आज गुरुजी ने प्रयत्न किया, अंग्रेजों ने सारे विषयों का, जैसे मुस्लिमों ने ग्रंथ जलाए थे लेकिन अंग्रेजों ने जलाए नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया था, शिक्षा ही देने का बंद कर दिया था, वो सिस्टम ही बंद कर दी थी। तो धीरे 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 गुरुजी ने सब ग्रंथों का अध्ययन किया और ग्रंथों से लिया, घंटों घंटों तक रात को बैठकर लिखा, बच्चों को पढ़ाया, अनेक कार्य उनके जीवन से किए, वो मैं कभी लेने वाला हूं। लेकिन सबसे एक कार्य है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को एक प्रारूप दिया। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के जितने भी विषय थे वो सबका एकत्रीकरण, कि न्याय कैसे पढ़ाया जाता था, कितनी रीति थी, व्याकरण कैसे पढ़ाया जाता था, वेद कैसे पढ़ाया जाता था, उपनिषद कैसे पढ़ाया जाता था, ये सारी की सारे विषयों की एक संकल्पना की। और आप, मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं और आपको लगेगा कि ये तो तुरंत बैठकर लिख लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक एक विषय सीखने में सालों सालों लगते और ये सीखने में कुछ मिलने वाला नहीं होता। मिलना क्या है इसमें, वो मिलने का भाव जब चला जाता है तभी तो ऐसा विचार आता है। वो कैटेगरी का, साधारण कैटेगरी का आदमी तो रोटी से ज्यादा सोच ही नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा अपने धंधे के बारे में सोच सकता है, अपनी एक बीवी को खुश रखने के लिए कुछ जीवन में कर देता है, बस उसका जीवन धन्य मान लेता है। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक दिशा दिखाने वाली और उत्तम मनुष्य का निर्माण करने वाली गुरुकुल शिक्षा है। इसलिए गुरुकुल सामान्यता से वो कुछ डॉक्टर बनाए न बनाए, इंजीनियर बनाए न बनाए, मनुष्य का निर्माण आवश्यक,
वो एक मनुष्य का आदर्श रखती। इसलिए देखिए भगवान ने भी कृष्ण ने भी इस व्यवस्था को ही प्रमोट किया। कृष्ण भी तब तक अधूरे है जब तक सांदीपनी नहीं, राम भी तब तक अधूरे है जब तक विश्वामित्र, वो खुद अधूरे है जो पूर्ण बनकर आए थे वो भी तब तक अधूरे रह जाते हैं जब तक कोई उसके ऊपर गुरुकुल सिस्टम वाला नहीं है। और ये सारे गुरु देखिए कोई सन्यासी नहीं, ये सारे गुरु मंदिर के नहीं है। आप देखिए कोई भी कृष्ण का मंदिर है वो मंदिर में बहुत सन्यासी हो सकते हैं, वो मंदिर में एक व्यवस्था हो सकती है, वो हो सकता है। राम के बहुत मंदिर है राम की, लेकिन राम और कृष्ण जहां पड़े वो कोई मठ नहीं है, वो कोई मंदिर नहीं है, वो गुरुकुल है। क्योंकि गुरुकुल ये व्यवस्था का काम करता, तो उन्होंने प्रमोट किसको किया था, गुरुकुल को, क्योंकि परमानेंट व्यवस्था है। और गुरुकुल केवल एक पढ़ाने का ही नहीं काम करता है, वो मनुष्य के निर्माण करने का कार्य करता है। लोगों को लगेगा कि गुरु जी के पास जाकर क्या करेगा, संस्कृत सीखेगा, नहीं, यहाँ यदि संस्कृत सिखाने के लिए इधर लाना है तो यहाँ जरूरत नहीं है। आप कर्नाटक में संस्कृत सिखा सकते हैं, महाराष्ट्र में सिखा सकते हैं, टीचर रखकर सिखा सकते हैं। यहाँ पर कुछ आना है तो जीवन सीखने के लिए, और इसके साथ साथ संस्कृत सीखना है, इसके साथ साथ आयुर्वेद सीखना है, इसके साथ साथ पंचगव्य सीखना है, लेकिन सबसे पहली बात तो उसको जीवन सीखना है। तो जीवन को दूर कर दिया शिक्षा से, क्या हुआ, कितने स्कूल में आप पढ़े लेकिन कोई भी ऐसा सेटिस्फेक्शन होकर, मुझे आप इतने ग्रुप में सुन रहे हैं, आप बताइए जो आपने मॉडर्न शिक्षा ली उसमें से आपके जीवन को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कितना काम आया, कितने परसेंट, आप अपने आप को पूछिएगा ये 5% 10% कितना काम आया। और ये यदि काम नहीं आया तो आपकी जो गोल्डन जैसी लाइफ थी, जो आपकी विद्यार्थी लाइफ थी, जो हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, वो कितनी सार्थक हुई। और ये यदि आपकी निरर्थक गई तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा निरर्थक चला गया, क्योंकि तब कोई चाहिए जो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड की भूमिका में हो, और वो आज की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं देती है। तो चाहे लाखों किताबें छप जाए, लाखों किताबें का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई भी शिक्षा व्यवस्था स्थिर नहीं होगी। ये एक हमारी बड़ी समस्या स्कूलिंग सिस्टम में है कि आज इतने आयुर्वेद कॉलेज होकर, इतनी स्कूल शिक्षा को होकर एक आदर्श शिक्षक हमको नहीं दे पाते है, और एक आदर्श व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो अब स्कूलिंग को सुधारे या गुरुकुल को खड़ा करे, दो विकल्प रहता है। स्कूल को सुधारे तो बहुत सारे उसमें माइनस पॉइंट से, बहुत लूप होल से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं या विदेशी लेखकों को पढ़िए, आप तो जानते होंगे इंग्लिश वगैरह, तो आप पढ़िए वोल्ड्रॉफ स्टेनर से लेकर सारे जो उसके पैरेलल सिस्टम खड़े करने वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें टाइम किलिंग है, उसमें टाइम किलर है, वो बहुत टाइम उसमें ऐसे ही निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आदमी को पहले क्या सिखाना वही उसके लिए कोई ढांचा नहीं होता है, जो भी आया वो सिखा दिया, जो भी आया। और हरे पहले तीन तीन पीढ़ी की पुस्तकें चलती थी, दादा पुस्तक लेते थे वो पिताजी को चलती थी, पिता ने जो पुस्तक पढ़ी वो बालक को, अब हरेक तीन साल में कोर्स बदल जाता है, गवर्नमेंट बदली तो कोर्स बदल जाता है, तो वो जो कोर्स था वो फेल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी आ गई, शिक्षण का विभाग बदल गया, शिक्षा का हवाला किसी और के पास जाता है, मानव संसाधन विकास से अभी बन गया शिक्षण का खाता पूरा, तो शिक्षण मंत्री बन गए, जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे वो शिक्षण मंत्री बन गए, तो शिक्षण मंत्री बन गए, बदल गए तो कोर्स बदल गया, शिक्षण का संबंध किसी था है जरा भी नहीं है जिसके जीवन में, वो शिक्षण मंत्री आज वो शिक्षा दे रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या शिक्षा होती है, क्या शिक्षा का अर्थ होता है। और दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को पीछे हमारे गुरुकुल वाले घूमते हैं, एक उसके आशीर्वाद के लिए उसके फोटोज लगाते हैं अलग अलग जगह पर, उसको प्रायोरिटी देते हैं जो खुद से ही कुछ पढ़ा नहीं है। तो ये पूरी की एक गलत व्यवस्था चल रही है जिसमें हमारा तो नुकसान आर्थिक तो कम होता है, बालकों को जीवन का ध्येय नहीं मिलता है, एक चीला चालू जीवन, जो व्यक्ति अमेरिका में भी जी सकता है, रशिया में भी जी सकता है, और जगह भी, ऐसा चीला चालू जीवन, बिल्कुल टाइम पास जीवन वो यहाँ पास कर देता है, उसके जीवन में कोई स्पार्क नहीं है,
उसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा जीवन वो जीता है, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। टूटा फूटा तो टूटा फूटा, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि ये पूर्ण ऑप्शन है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं गुरुकुल शिक्षा से हो सके उतना मैं कर पाऊं और मैं केवल गुरुकुल का काम करूं, इसलिए चिकित्सा को भी मुझे अभी कोई जरूरत है और कोई नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मेरे मित्र आ जाएंगे चिकित्सक तो वही काम करेंगे चिकित्सा के लिए, मुझे केवल ना केवल गुरुकुल का ही काम करना है, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है और इतना मैं कार्य कर सकूं। आज पूरी भारतीय शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, एक आदमी के पास पैसा नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चलिए मेरे पास ऐसे व्यक्ति, एक लड़का है उसके पास पैसा नहीं, उसको पढ़ने की बहुत जिज्ञासा है, बराबर। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज बताइए कहाँ पर वो रहकर पढ़ सकता है, उसकी भोजन की व्यवस्था, उसकी रहने की व्यवस्था और उसको ज्ञान मिले, ऐसी व्यवस्था भारत में आप कहाँ करते हैं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कहाँ पर है ऐसा, जहां पर वो पढ़ सकता है और उसको मुफ्त में कोई, उसको भोजन मिले, उसको और गौरव के साथ मिले, ऐसा कौन सा स्थान है? आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा भारत में एक भी स्थान नहीं, एक भी स्थान नहीं है। तो मैं आपको अवश्य ही, आपको ज्ञात हो तो मुझे बताइएगा, मैं अवश्य प्रसन्न होऊंगा कि ऐसा मेरे स्थान मिल गया है और मैं भी प्रचार करूंगा उस स्थान का, ऐसा दावा नहीं। लेकिन मैंने जब तक देखा है तो इतने करोड़ों रुपए देकर, इतनी शिक्षा व्यवस्था को देकर आज क्या शिक्षा सबके लिए हो गई है? आज शिक्षा का वो ढांचा बचा है? नहीं बचा है। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो मनुष्य का निर्माण करती है, साथ साथ में मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है। इसलिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था मतलब भिखारी बनाना नहीं, ये आप बात याद रखिएगा। लोग बार बार मुझे ये पूछते हैं कि आगे जाकर क्या करेगा, तो आपको क्या ये लगता है कि गुरुजी ने पूरे नशे में ही ये सब बातें बता दी, उन्होंने बच्चों का आगे का सोचा ही नहीं, उन्होंने मेरा आगे का कुछ नहीं सोचा और ऐसा ही बता दिया, चल बेटा कूद का लगा दे इधर, मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा, क्या ऐसा भांग कांग कर, या तो ऐसे ही हम लोग ये चला रहे हैं कुछ सोचे बिना, ऐसे ही चला रहे हैं कि कोई सोचा है? अवश्य इसके ऊपर हमने विचार किया है, इसके ऊपर हमने अध्ययन किया है, इसके ऊपर हमारे पास प्रामाणिक डेटा है जो कोई स्कूल के वाले पास नहीं होगा। स्कूल वाले के पूछिए आप जाकर कि आज के भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति है, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग और काम धंधा करते हैं, कितने लोग बेरोजगार है, वो डेटा हमारे पास है, उसको हम रखते हैं। हर एक सेमिनार में मैं रखता हूँ ये, तो सबसे पहली बात ये, बालकों को जीविका से भी ज्यादा जीवन की जरूरत अभी सबसे ज्यादा है। नहीं तो पैसा तो मिल जाएगा, उसकी लाइफ टिकेगी नहीं, उसकी फैमिली लाइफ में हम देखते हैं रोज झगड़े आते हैं टीवी में, रोज एक दो तीन पांच लोगों का, तो प्रसिद्ध लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, फिर डाइवोर्स होकर फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं टीवी में वो कल आपके घर पे होने वाला है, क्योंकि आपके घर पे भी बालकों को शिक्षा आपने दी नहीं है और हमको ये जरूरी लगता नहीं है। तो कम से कम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो है, जंगम गुरुकुल खड़े करने की आवश्यकता है। एक संस्कृत आर्य गुरुक्रम राजकोट में हो जाएगा तो पूरे भारत की समस्या कभी हल नहीं होगी, ये तो एक बहुत छोटी बात है जो सब समझ सकते हैं। जंगम गुरुकुल हर एक सिटी में, हर एक जगह पर छोटा गुरुकुल होना है, संस्कार का माध्यम बन सके ऐसा कोई गुरुकुल होना है, पूरा समझ के साथ उसको तैयार करना है। ये आज के भारत की सबसे 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यवस्था, आज जो काम करना है वो इसके ऊपर करना है। आप एक बात याद रखिए, एक गुरुकुल होगा आपकी 5,000 गौशाला बनने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन 5,000 गौशाला करके एक गुरुकुल नहीं होगा। गुरुकुलों मनुष्य निर्माण करता है और मनुष्य सभी व्यवस्था के केंद्र में है, वो चाहे गाय की हो, चाहे उसकी हो, चाहे उसकी, वो सभी को कौन संभालता है? जिसके पास ये ब्रेन है वो, तो वो संभालने के लिए आदमी तैयार करने पड़ेंगे, व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति ऐसे होंगे जो राष्ट्रभक्त होंगे, जो अपने जीवन में नैतिक मूल्य रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा और ये दायित्व केवल ना केवल गुरुकुल कर सकता है, इसके लिए गुरुकुल व्यवस्था है। दूसरी बात हम देखते हैं कि गुरुकुल के साथ रोजगार कैसे जुड़ा हुआ था, उसके लिए गुरुकुल क्या करता था, क्या व्यवस्था थी और अभी क्या व्यवस्था है। सबसे पहले मैंने इतनी बात बताई, गुरुजी ने पूरा का पूरा गुरुकुल शिक्षा का अध्ययन किया। आप एक बात याद रखिए,
गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का बहुत बारीकाई से निरीक्षण करके गुरु जी ने एक 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 पॉइंट पर विचार किया है, और वो पूरी की पूरी प्राचीन भारत की सिस्टम कैसी थी, ऋषि मुनि पढ़ाते थे तब कैसे पढ़ाते थे, मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या दोष है, वो पढ़ने में बालक का कितना टाइम बर्बाद होता है। गुरु जी ने चैलेंज किया था कि आयुर्वेद कॉलेज में जो 6 साल का आयुर्वेद का कोर्स है वो मुझे दे दे यदि मेरे घर पे पढ़ाने के लिए, तो मैं ये कोर्स 1.5 वर्ष में पूरा करूं। 1.5 साल जो आयुर्वेद का कोर्स 6 साल का है वो 1.5, क्यों? क्योंकि वहां अध्यापक 11 बजे आता है, 1.5 बजे चला जाता है, फिर सो कर उठ कर 4 बजे फिर आता है, तो आता है, नहीं आता है तो फोन कर देता है कि आज नहीं है, चलो मूड ही नहीं है, चाय पीकर फिर बाद में पार्टी करके कुछ और पीकर आता है। आयुर्वेद का विद्यार्थी 9 बजे उठता है और बाद में वो धीरे 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 तैयार होकर 10-11 बजे 10:30 बजे लड़कियों के साथ घूमता घूमता 11 बजे चरक के सूत्र पढ़ने के लिए आता है, तब तक बेल बज जाता है, कैंटीन में नाश्ता तैयार होता है, आमलेट चिकन जो भी है वो चरक का नाम लेकर उसको। तो ये आयुर्वेद पढ़ाकर हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चरक जैसा वैद्य हमको मिल जाए भारत में और रोगों को मिटा दे, कोरोना को हटा दे, और कोई सुश्रुत मिल जाए हमको जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को फिर से कोट पैंट पहन कर या ऐसा कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी में आकर वो पूरा का पूरा हटा दे। गुरु जी ने बताया कि मैं यदि ऐसा करता हूं तो क्या करूंगा, पहले गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में पहले सिस्टम डालूंगा कि सुबह इतने बजे उठना है, विद्यार्थियों को डेफिनेटली उठना है, मध्याह्न में इतना अध्ययन करना ही है, मिनिमम इतना अध्ययन करोगा तो ही भोजन करने का अधिकार है, ये विद्यार्थियों में मैं एस्टैब्लिश, इतना मैं अध्ययन कर नहीं लेता हूँ तब तक अधिकार नहीं है मुझे खाने का भोजन करने का, ये मैं किसी का खाता हूँ जब तक मैं अध्ययन नहीं करता। तो ये एक व्यवस्था से इतने इतने विद्यार्थी निकले, आप सोच सकते हो कि आप विदेशों में जाएंगे तो वो लोग ऐसे ऐसे क्या करते हैं कि वो लोग ताजुब हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, इतनी सिस्टमेटिक है, और हमने वो अध्ययन नहीं किया तो हमको लगता है कोई कोई सिस्टम नहीं है। हमको लोग पूछते आप कौन से पुस्तक पढ़कर ये करा रहे हैं, क्या कोई वो सामाजिक पुस्तक वो किसी ने निकाले है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के, या तो फिर क्या स्कूलिंग सिस्टम के, तो आप किसको फॉलो करते हैं, अभी किसी ने पूछा, तो भाई हम किसको फॉलो करेंगे, आपको क्या है लगता है मैं 4 पुस्तक पढ़कर बाद में दूसरे दिन यूट्यूब के वीडियो सुनकर बाद में आपके यहाँ अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या आपको ये लगता है कि मैं किसके पुस्तक पढ़कर या यूट्यूब के वीडियो सुनकर बता रहा हूँ। ये गुरुकुल तो सालों पहले का है, 3 पीढ़ी हो गई इसकी, और गुरु जी का जीवन इसमें गया कि पूरे के पूरे प्रयोगों में कि भाई क्या कौन सा स्टेप अभी लेना है, किस तरह से गुरुकुल को बिठाना है, किससे व्यवस्था करनी है, और इसलिए हम लोग ये विचार करते करते यहां तक पहुंचे हैं कि गुरुकुल सिस्टम को आज अनिवार्यता है, कल जितना नहीं किया आज इतना नहीं करेंगे तो ये बचना बहुत मुश्किल है। आप बातें कितनी भी कर दो मेरा भारत महान मेरा भारत महान मेरा भारत महान, लेकिन आज ये स्थिति है कि भारत में उपनिषद पढ़ाने वाले गुरु एक एक राज्य में एक एक नहीं है, पूरे एक एक राज्य में एक एक नहीं है, पूरे राज्य में एक नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा, गुरुकुल पूरे राज्य में एक नहीं है, पूरे राज्य में एक नहीं है, एक एक राज्य के अनुसार एक एक गुरुकुल नहीं है, ऐसे 10,000 होंगे संख्या से तो 20,000 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नाम के ऐसे आदर्श गुरुकुल नहीं है, और उसको खड़ा करना है क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे, उसको हमको जो सबसे बड़ी दायित्व है, जो बर्नार्ड शॉ भी ऐसा कह रहा है जो बाहर का है वो बता रहा है कि भारत किसी को कुछ दे सकता है पूरे विश्व को वर्तमान में भूतकाल में और भविष्य काल में, तो ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसका प्रारूप है, जिसमें लाखों वर्ष हुए हैं ऋषि मुनियों को ये सब स्ट्रक्चरल करने के लिए, हजारों हजारों लाखों लाखों साल हुए, पता नहीं कितने साल हुए, ऐसी एक व्यवस्था भारत के पास से, और वो व्यवस्था को हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे पर मिथ्स रहेगा। कैसी मिथ्स रहेगी, तो गुरुकुल तो एक आश्रम होता है, उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिसको कुछ नहीं आता है या तो और कोई चारा नहीं रहता है, कोई धंधा बंदा नहीं कर सकता है, तो ये गुरुकुल पे हम भेजते हैं क्योंकि वो बस वहां पर रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, नहीं सीखेगा तो कम से कम वहां भोजन करेगा, ये एक पहली मीच से, ये गुरुकुल शिक्षा नहीं है। दूसरी बात, गुरुकुल शिक्षा केवल धार्मिक शिक्षा होती है और उसके पढ़ने के बाद लोग पंडिताई करते,
अर्थात क्या, पूजा पाठ कहीं किसी ने बुला लिया तो पूजा कर दिया और उन्हें 100 रुपया दे दिया, दूसरी जगह गया उसने 100 रुपया दे दिया। तीसरी बात, ये गुरुकुल का विद्यार्थी, ये गुरुकुल नहीं, ये मध्यकालीन पाठशाला की बात है। ये मध्यकालीन जो पाठशाला हुई इसमें ऐसी स्थिति अवश्य थी, किसी के मृत भोज पे ऊपर विद्यार्थी को बुलाते हैं और विद्यार्थी सब जाते हैं वहां पर, चलो कोई मर गया तो गुरुकुल के विद्यार्थी को थोड़ा भोजन दे दे, पुण्य मिल जाएगा, इसलिए गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं। ये गुरुकुल दया पात्र नहीं है, कोई चंदा कर देता है, कोई 50-100 रुपया निकाल देता है, 2-5 हजार निकाल देता है और महीने पर, और ये सारे फंड के ऊपर गुरुकुल का आचार्य होता है, वो ये सबको बुला बुला कर इकट्ठा करके फिर गुरुकुल को चलाता है, ये गुरुकुल नहीं। ये मध्यकालीन गुरुकुल की बात है, गुरुकुल लीडर तैयार करता है, तो जो गुरुकुल लीडर तैयार करेगा वो स्वावलंबी नहीं हो सकता है क्या, वो स्वावलंबी होगा और बच्चों को भी स्वावलंबन सिखाएगा। तो ये जो गुरुकुल और मिथ से कि गुरुकुल में केवल धार्मिक अध्ययन होता है, गुरुकुल का व्यक्ति धार्मिक होगा, ईश्वर के नियमों को मानने वाला होगा, लेकिन वो धर्म उसका एक प्रोफेशन नहीं होगा, वो धर्म अर्थात तो पूजा पाठ करने वाला धर्म नहीं होगा उसका, वो इस ऐसी रोजी पर नहीं दिएगा। वो गुरुकुल का विद्यार्थी यदि तैयार हो गया तो भारत की बहुत बड़ी एसेट है वो, और उसको हमको संभालनी है, उसको गौरव को हमको संभालना है, ये हमारा दायित्व है। तो ये एक थोड़ा काम किया जाए उसके ऊपर, तो भारत के पास आज बहुत शक्ति है। आज हम स्कूल में जितना पैसा डालते हैं, हम स्कूल में जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके अनुसार बदले में हमको 10% भी नहीं मिलता है, संस्कार कहाँ मिलते हैं। आप देखिए भारत के आज स्थिति क्या है, आपकी लड़कियों को या आपके लड़कों की क्या स्थिति, आप देख सकते हैं समाज के सामने। आज हमारे चरित्र का स्तर पर कहाँ पर है, आज हमारे विचार का स्तर कहाँ पर है, आज हमारे घर की स्थिति क्या है, तो ये सारा का सारा व्यवहार विचार ये सबको यदि परिवर्तन करना है तो पहली बात गुरुकुल शिक्षा दायित्व है हमारा, इस काल की सबसे बड़ी जरूरत है। आग लग गई हो तब जितना जल्दी पानी के लिए हम करते हैं उतना जल्दी गुरुकुल व्यवस्था के लिए, क्योंकि रोज दिन जा रहा है तो रोज कुछ ना कुछ हमारे से नष्ट हो रहा है, रोज मैं देख रहा हूं कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारे बच्चों को हम कम से कम संस्कृत की शिक्षा देंगे, भारतीय विषयों को कम से कम बताएंगे उसको, ये जानने, क्योंकि ये आपको लगता है कि आप बच गए हैं, लेकिन अभी काल इतना खराब आने वाला है कि जो 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 वस्तु आपने अभी तक कल्पना नहीं की है वो सारी घटित होने वाली है, वो संस्कार का स्तर नीचे गिर रहा है। देखिए वृद्धाश्रम कितने बन रहे हैं, जेलें कितनी बन रही है। गुरु जी का एक वाक्य था, मैं बार बार याद करता हूँ, सिंपल, गुरुकुल का फल क्या है, ऐसा जब राष्ट्रपति ने पूछा गुरु जी को, राष्ट्रपति पुरस्कार गुरु जी को मिला है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने ये प्रश्न पूछा था कि आप इतने विद्वान हो, आपके विचार ऐसे है कि जो मैं विचार नहीं कर पाता हूँ, जो सामान्य आदमी की तो ताकत ही नहीं है इतना डीप सोच सके, इतना गहन सोच सके, तो आप गुरुकुल मतलब आप मुझे बताइए 2-5 वाक्य में कि गुरुकुल होगा तो परिणाम क्या आएगा समाज में। अब उनको तो राष्ट्रपति को पंचमकोश वगैरह तो पता नहीं होता है, तो भैंस के आगे भागवत पढ़े ऐसा होता है उसको, यदि उपनिषद की बात बताई, ऐसा गुरु जी ने सिंपल बात उनको बताई कि एक गुरुकुल की ईंट जहां पर होती रखते हैं, जब हम गुरुकुल की ईंट जब रखते हैं, हम गुरुकुल की नींव रखते हैं, तो भविष्य के 100 वृद्धाश्रम बंद हो गए, 100 वृद्धाश्रम एडर हाउस जिसको हम कहते हैं, 100 वृद्धाश्रम बंद होंगे एक ईंट रखने से, एक नींव रखने से, और आपकी 50-100 जेल बंद करनी पड़ेगी, कैदी नहीं होगी। आदमी इतना तैयार होगा, इतना स्वयं शासित होगा, ये गुरुकुल तैयार करेगा, और गुरुकुल तैयार, गुरुकुल ने ये नहीं किया, एक तरफ आप जेल को बढ़ाते जाइए, एक तरफ वृद्धाश्रम को बढ़ाते, ये दोनों परस्पर में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आदमी का स्तर दिन प्रतिदिन कम से कम होता जाएगा, आदमी गिरता जाएगा। आज रुपया डॉलर के सामने गिर गया वो समस्या नहीं है, आज समस्या ये है रुपये के सामने आदमी गिर गया। आज गुरुजी हमेशा बताते थे, जब मैच फिक्सिंग हुआ तो गुरुजी का बहुत ही पहले का डायलॉग था ये, मैच फिक्सिंग में तो बाद में ये सब पकड़े गए, अजय जाडेजा और अजहरुद्दीन वगैरह, हमारे तो यहाँ पर लोग मिलते आते थे तो हम तो क्रिकेट के लिए सबको पूछते थे, ये सब सालों पहले की बात है, मैं देखता था पहले भी,
तो उसमें ये पूछते थे गुरु जी कि गुरुकुल का आचार्य गुरुकुल का विद्यार्थी कैसा है। बनारस में ऐसे जीवंत उदाहरण है जिन्होंने लाखों रुपए को छोड़कर अपने जीवन सेवा में लगा दिया। तो गुरुजी ने बताया जिसको आप बड़े क्रिकेटर मानते हो, जो आपके सेलिब्रिटीज है, वो 300 400 रन पर नॉट आउट होते हैं, लेकिन बात जब नोट की आती है तो आउट हो जाते। 300 400 रन पर नॉट आउट रहने वाला व्यक्ति नोट पर आउट हो जाता है। किसी ने पैसे दिए वो खरीदार। गुरुजी ने बताया गुरुकुल का एक विद्यार्थी आप खरीद कर बताओ, आप उसको लांच देकर दिखाओ। आज इतने मेकोले सिस्टम में बड़े बड़े प्रोफेसर है, इंक्लूडिंग संस्कृत के भी, आयुर्वेद के भी, वो कोले लाखों रुपए तो उसकी सैलरी होती है, लेकिन वो साइड की सैलरी होती है। उसका मुख्य काम क्या है पता है? कॉलेज में रूम इतना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए वो सही करने के लिए, साइन करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है हर एक कॉलेज वाले को। इसलिए कॉलेज वाले फिर विद्यार्थियों से वसूल करते हैं। और ये मैं ओपनली बोलता हूँ, गवर्नमेंट के ये प्रोफेसरों में से सिर्फ 70% से ज्यादा भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट का इतना सेवेंस पे लेकर भी वो व्यक्ति जब वो चेकिंग में जाता है उसको चेक करने के लिए कि ये कॉलेज का कितना वो है, उसका साइन करने का भी पैसा लेता है। और सचिवालय से लेकर कॉलेज तक की ये दशा है। शिक्षण आज इतना गिर गया है, इसमें से बच्चों को नैतिकता तो कभी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो मूल में ही नहीं है। वो आप क्या नैतिकता सिखाएंगे, पुस्तक से सिखा देंगे? और गुरुकुल का एक आचार्य आज इंक्लूडिंग मी, आप फेसबुक पर रखो, संस्कृति गुरुकुल ने कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी की हो, किसी का भी 1 रुपया राम का लिया हो, किसी विद्यार्थी का, किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर कोर्स कराकर पढ़ा कर 1 भी रुपया हराम का लिया। जो माता पिता से जो खर्च आता है वो बोलते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो स्वाभाविकता से कहते हैं कि हम नहीं पहुंच पाते। हम कहते हैं ठीक है, ये तो हमारा रखने का फर्ज है कि इतना खर्च आता है, वो बताते हैं नहीं संभव है, कोई बात नहीं। वो उतना ही दिल से स्वीकार्य है, ट्रांसपेरेंटली व्यवस्था है। एक गुरुकुल ऐसा चला सकती है व्यवस्था, तो इसमें कितनी जीवंतता होगी विचारों में, कितनी जीवंतता ये बच्चों में जाएगी, उसका आप एक बार एक सोच लेना कि ये कितनी व्यवस्था आज भी दृढ़ है। और मैं ये चाहता हूं कि भारत के ऐसे कम से कम 20 से 50 बच्चे तैयार हो जाएंगे शिक्षा के लिए, जिसके माता पिता उसको ऐसा बनाना चाहते। तो माता पिता का कमिटमेंट पहला बहुत जरूरी है। माता पिता ऐसे होने, माता पिता को अपना ध्येय ऊंचा करना होगा, अपना लक्ष्य ऊंचा करना होगा। जो छोटे आदमी होते हैं ना, वो छोटी सोच रखते हैं। और आप भी यदि छोटी सोच रखते हो कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद, तो जवाब तो हम दे देंगे आपको, लेकिन उससे आपका क्या होगा? आपको कहीं तो विश्वास बिठाना पड़ेगा, कहीं तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी ना। चाहे स्कूल पर रखो, चाहे गुरुकुल पर रखो, वो आपकी बात है। आपको जहां मन पड़े वहां पर रखो, जो आपको ज्ञानी लगे उसके ऊपर रखो आप, जो आपको डेडिकेटेड लगे, जो आपको श्रद्धा वाला लगे उसके ऊपर रखो, लेकिन कहीं तो रखनी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था सोचिए। सब बच्चों को यहाँ नहीं ले सकते हैं, वापस कह रहे हैं हम, उसका भी आप गलत ना लगाए, इससे आप हमसे छूट नहीं जाते। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि अनेक जगह पर गुरुकुल हो और वो हम मार्गदर्शन करें, प्रॉपर मार्गदर्शन से, प्रॉपर व्यवस्था से चले। ये बहुत कठिन बात है, ये मैं जानता हूं, तो भी मैंने ये जो कार्य लिया है वो मैं अंत तक तो करूंगा, वो उससे मैं कोई अटूंगा नहीं। चाहे उसमें मुझे प्रलोभन आए लाखों रुपए की नौकरी का, वो मैं पहले छोड़कर आया हूँ, चाहे मुझे कोई भी प्रकार की समस्या आया है। और मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, जो मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ इतने अच्छे साथी जुड़े हैं, जो मेरे कंसेप्ट को, जो गुरुकुल व्यवस्था को ये गंभीरता से समझते। ये केवल ऐसा नहीं है कि ये 2 4 दिन का आंदोलन है और किसी के सामने वो होगा, ये मूल की व्यवस्था का काम है। इसमें बहुत शांति से स्ट्रेटेजिकली इसका काम करना है, इसको बढ़ाना है, आगे ले जाना है। एक ज्ञान को हमको रोज 1 घंटे को सोचना है, पचाना है। मैं इतना साहित्य रखने को तैयार हूं भारत का, क्योंकि मेरा आज का जीवन में मैं रोज 8 घंटे स्वाध्याय करता हूँ। ये मैं एकदम अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ। मेरे आश्रम में जो रह रहे उसको आप पूछ सकते हैं,
मैं या तो पढ़ाने में रहता हूं, या मेरे आयुर्वेद का जो थोड़ा काम है उसमें रहता हूं, या मेरे पास पुस्तक होते। ये चौथी जगह आप मुझे कभी कहीं पर भी देखेंगे नहीं। गुरुकुल पे आने की छूट है, जीवन मेरा खुला है और विद्यार्थियों को मैं तभी तैयार कर पाऊंगा, ये मैंने संकल्प लिया है पूरा कि मैं ऐसे 50 विद्यार्थी को तैयार करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ, उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं छोटे छोटे रास्ते लेकर बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मैं एक डिप्लोमा बाहर निकालू ना तो आयुर्वेद के फट 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 सूत्र बोलकर, उसके अर्थ बताकर, थोड़े बहुत चुटकुले बताकर और आयुर्वेद की दवाइयां बताकर मैं बहुत कमा सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे कोर्स कराकर मैं 50,000 फीस रखकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसे साइड के मार्ग लेकर। लेकिन कभी भी मैं ऐसे छोटे कामों में, पैसे बनाने जैसा व्यर्थ कामों में मैंने कभी अपना जीवन का लक्ष्य नहीं माना है और मैं कभी मानूंगा नहीं। मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो बच्चों को तैयार करना है, वो जितना जल्दी हम समझेंगे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना है। जो छोटा सा हमारा गुरुकुल है उसको हमको छोटा सा ही सही, छोटा सा एक स्थान पर हम बैठे हैं अभी, वो छोटे से स्थान को लेकर हमको ऐसे विद्यार्थी लेकर भारत को भविष्य देना है, और ये इसके बिना कभी संभव नहीं होगा। ये हम आज कह रहे हैं, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं, शास्त्र और गीता कह रहे हैं। तो अभी बच्चों के लिए जो भी आपके प्रश्न है, मैं इसलिए कहता हूं ये कि आपको ये सब पता चले कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था अर्थात क्या नहीं है, आपके मन में चित्र एक क्लियर हो जाए कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था अर्थात एक स्ट्रोंग व्यवस्था है, उसके पास बहुत सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन है, और विद्यार्थी को वहां पर क्या सिखाया जाता है ये भी आपके सामने होना चाहिए, और विद्यार्थी वहां से क्या बनकर निकलता है वो भी आपके सामने होना चाहिए ट्रांसपेरेंटली, ताकि यहाँ भक्ति भाव से आप न डाले, आप पूरी गिनती के साथ डाले। ये गिनती करो आप जीवन की कि कहाँ उसका समय का व्यय होगा, कहाँ उसका समय का वेस्ट होगा और कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये पूरी गिनती करके आप डालो। ऐसा नहीं है कि मैं माला फेरता हूं और मैं तिलक करता हूं और मैं भजन करता हूं और वो चलो कोई संत है तो उसके चरणों में डाल दे, नहीं। आप यहाँ भक्ति भाव से और जगह पर जाइए, मंदिर है, मस्जिद है, आपके गुरुद्वारा है, बहुत सारे धर्म संप्रदाय सब कुछ है, वहां पर आप भक्ति भाव से जाइए, वहां पर कुछ करें। यहाँ पर तो आप गिनती करके आइए, आपको लगे कि नहीं ये गिनती में गुरुकुल पे जाना लाभदायी होता है तो आप यहाँ पर रहे, ऐसे ब्रेन चाहिए, क्योंकि बच्चों पर कार्य करना है तो हम आपसे भी तैयारी पक्की चाहेंगे। आपको ऐसा नहीं चलेगा कि चलो भाई गुरु को समझा तो समझा, नहीं समझा तो चलो कुछ है नहीं, तो बच्चा तो वहां पढ़ रहा है, कुछ अच्छा तो मिलेगा, ऐसा नहीं। आपकी भी गिनती, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। बच्चे जो बच्चे के माता पिता सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, गुरुकुल के साथ श्रद्धा से जुड़िए, भाव से जुड़िए। गुरुकुल कभी भी किसी के साथ भी कोई भी अन्यायी नहीं करता है। हम प्रयत्न करते कि भी परमात्मा को, ईश्वर को साक्षी रखकर हम ये सब काम कर रहे हैं। ईश्वरी व्यवस्था है पूरी शिक्षा की, जहाँ राम और कृष्ण पढ़े हैं वो ईश्वरी व्यवस्था है। बाकी आप देखिए, राम और कृष्ण ने भी पहला काम पढ़ाई करने का किया था, जब उसके पास पावर पैसा दोनों था तब भी वो छोड़कर नॉलेज के पास गए, तो ये पूरी क्योंकि उनको पता था कि शिक्षा व्यवस्था के पास जाएंगे तो सारी की सारी क्लू हमको वहीं से मिलेगी। सारी व्यवस्था की क्लू जिसके पास है, जहां डोर पर बंदे है, वो है शिक्षा व्यवस्था। तो इसके ऊपर आप बच्चों को, आपके बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, क्योंकि ये भेद अब हमारा नहीं है, आपके और मेरे बच्चे, पूरे भारत के बच्चे एक ही है, इसलिए इसको यदि हमको कोई अच्छे से अच्छा नॉलेज देना है और अच्छे से अच्छे संस्कार देने हैं, ज्ञान बहुत जरूरी होगा। इसलिए आप ये मत मानिए कि वो अच्छा आदमी ज्ञान के बिना बन जाएगा। बहुत लोगों को ऐसा भ्रांति है, गुरुकुल के कोई मैं गया था जब गुरुकुल का ओपनिंग था, तब मैंने वहां पर सुना कि ये बच्चों को तो पंडित नहीं बनाना, विद्वान नहीं बनाना, बस अच्छे बनाना है। अच्छा, तो फिर वशिष्ठ, विश्वामित्र, शंकराचार्य, इनको कुछ पता नहीं था, इनको तो बस ऐसा ही था कि वो ज्ञान ऐसे ही लेते थे, अच्छे ऐसे ही बन जाते ज्ञान लिए बिना। तब तो ये सारे लोगों ने तो क्या ये पूरी की पूरी मजदूरी की, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इतने वेद पढ़े, इतना ये पढ़ा, ऐसे ही अच्छे बन जाते। ऐसे अच्छे नहीं बनते, ऐसे उसको दृढ़ता नहीं आती है ज्ञान में, ऐसे जीवन में व्रत नहीं आता है, डेडिकेशन नहीं आता है, वो ज्ञान से ही आता है। इसीलिए पढ़ना पढ़ाना बच्चों को, हमारे यहाँ बताया, जो माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं, कोई कोई बहाना निकाल कर, वो सबसे बड़े पापी होते हैं, ये लिखा है।
ये ऐसा नहीं लिखा है कि उसको मतलब दंडा नहीं देते वो पापी होते, ऐसा लिखा है कि उसको शिक्षा नहीं देते, वो अपनी कर्तव्य से चूक रहे हैं। तो ये हम पूरा विचार करें गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का, उससे क्या रोजगारी जुड़ी है वो भी हम विचार करेंगे। तो अगले सेशन में बुधवार को गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से क्या रोजगार जुड़ा है, आगे जाकर आर्थिक रूप से ये क्या कर सकता है, सामाजिक रूप से क्या कर सकता है, ये सभी विचार हम आगे के सेशन में लेंगे। आज की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर मैंने बोला है, और भी बोलने वाला हूँ, पूरे के पूरा डेटा कलेक्ट करके मैं ये सब बातें रखता हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं किसी का द्वेष करता हूँ स्कूल वगैरह का, वो भी मेरे मित्र है बहुत, लेकिन जो व्यवस्था के सामने मुझे बोलना है वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। और प्रकाश यदि वो नहीं दिखाएगा, आप लाइट को यदि लाइट जलाएंगे, क्यों जलाते हैं, जो जैसा है वैसा दिखाई पड़े, काला काला दिखाई दे, पीला पीला दिखाई दे, हरा हरा दिखाई दे, सफेद सफेद दिखाई दे, तो आप ये कहेंगे कि ये लाइट मतलब बहुत ये है, गलत है, क्योंकि ये तो काले को काला दिखाती है, सफेद को सफेद दिखाती है, लाल को लाल दिखाती है, लाइट का काम ही ये है, तभी तो वो लाइट है। तो जो जैसा है वैसा मैं बताता हूँ, वो पहले से ही ये सिद्धांत रहा है। तो आपको कुछ भी ऐसा लगे, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। राजेश्वर जी प्रश्न लेंगे अभी? आचार्य जी कुछ जनरल क्वेश्चन ही है मुझे भेजे थे। अभी कितने साल से आप मतलब बच्चे 5 साल के बाद लेंगे या 2 साल 3 साल के बाद भी लेंगे क्या, लड़के बहुत को अच्छा, लेंगे? बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों की उम्र मेरी एक पुस्तक है, वो आप अवश्य पढ़िएगा, गुरुकुल शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये पुस्तक है, उसमें तो मैंने ये लिख दिया है, लेकिन तो भी मैं बता रहा हूँ। गुरुकुल पे 5 साल से पहले जाने का 6 साल से आरंभ था। क्यों? क्योंकि 5 साल तक अन्नमय कोष का विकास होता है, और तब तक व्यक्ति माता के पास रहे वो बहुत जरूरी होता है। अभी अलग है, और तब गुरु व्यवस्था अच्छी थी, गुरु शिक्षा देते थे घर वाले लोग। गुरु शिक्षा में क्या क्या पढ़ाते थे वो भी मैं कभी बताऊंगा आपको, कि भारतीय परिवार व्यवस्था कैसी थी, भारत के परिवार कैसे थे। परिवार एक पाठशाला थी, जब बच्चा छोटा आ जाता था तब पूरा घर का जीवन बदल जाता, क्योंकि अब वो बच्चा हमको देखकर कुछ सीख रहा है। आज वो सेंस चली गई है सबके पास से, तो गुरु शिक्षा आज चली गई है। तो आज हम 8 साल की उम्र से बच्चों को, लेकिन आपको तो उसको 1 साल से नहीं, गर्भ से ही सिखाना चालू करते हैं। गुरुकुल आने पर शिक्षा शुरू नहीं होती, शिक्षा शुरू गर्भ से ही हो जाती है। ये हमारी एक भ्रांति है कि स्कूल आप कितने साल से पढ़ रहे हैं, तो बोले जब से मैं स्कूल गया तब से मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा बताते हैं ना कि भाई जब से, तो गुरु जी तो बताते थे कि भाई अपना बचपन भूल गए बच्चे जब से स्कूल गए, ये अपना बचपन भूल गए हैं, जब वो पूरा का पूरा भूल गए तब वो स्कूल गए, ऐसा। तो एक व्यवस्था है 8 साल से हम लेते हैं यहाँ, और तब तक आपको तैयारी करके लड़कों को भेजना है, लड़कियों को भेजना है, स्वावलंबी बनाना ही है उसको, गुरुकुल में आए ना आए कपड़े हाथ से धोना है, अपना काम खुद से करना है, इसी के ऊपर भी आलंबित नहीं रहना है, ये बच्चों को आपको सिखाना है, चाहे वो गुरुकुल के लिए तो जरूरी है, उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी। तो 8 साल की उम्र में हम लेते हैं, 8 साल जी, 8 से 11 साल तक, 11 साल के ऊपर के लोगों को एंट्री नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 12 उसके ऊपर के नहीं, और 8 से नीचे के। जी आचार्य जी, आप जो बुक बोले थे कैसे मिलेगा बोल के पूछ रहे हैं, तो गुरुकुल शिक्षा नामक बुक है, उसमें मंथन भाई को आपको 6352483012 वाला नंबर आप रख दीजिए, अमित भाई भी अभी होंगे तो रख देंगे, और कोई आप ही रख दीजिएगा 6352483012 वाला, वहां पर से आपको बुक मिल जाएगी, ये बुक वहां से मंगा सकते हैं, गुरुकुल शिक्षा की। गर्भ संस्कार के ऊपर भी एक है बुक, दो बुकें अभी छपी है हमारी, बाकी की बहुत है लेकिन वो आपके काम की नहीं है गुजराती भाषा में, लेकिन ये दो बुक तो है अभी। तो ये गुरुकुल शिक्षा की बुक है। आगे हम मीटिंग में मतलब आगे का और भी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में बहुत गहराई है, तो ये हम जानते जाएंगे आगे। जी आचार्य जी, आप वही आपको जो है मुझे मेरा नंबर है 9449596039, हमारा ग्रुप में जुड़ने के लिए, ग्रुप में जुड़ने मतलब मिलके भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, एक ही जगह गड्ढा खोदने के लिए, सिर्फ लेने के मुझे क्या मिला गया बोल के ग्रुप में नहीं जुड़ना है, म्यूट स्पेक्टेटर बनने के लिए नहीं जुड़ना है, मिलके अभी क्यों 180 लोग देख रहे हैं, इतना ही लोग, बाकी सो कॉल्ड
इतने जो है आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह गड्ढा करते हैं, क्यों मिलके एक दिन में भारत बन जाता है? यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। बहुत लोग को जहाँ जानते भी हैं, बहुत आध्यात्मिक संस्थाएं जानते भी हैं, फिर भी अलग अलग जगह गड्ढा खोदते हैं। एक आचार्य, पावरफुल आचार्य को सेंटर में रख के सब लोग जुड़ने से ये एक दिन में भारत बदल जाती है। ये सेशन पूरा भारत देखने से एक दिन में बदल जाती है। लेकिन क्या, देने के भावना से जुड़िए, मिलके जो है हम लोग भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। अभी कल भी है सांस्कृत सेशन, है कल 9 बजे है। हम लोग अभी फिक्स किए हैं सांस्कृत सेशंस के जो है मंडे रात को 9 बजे, थर्सडे रात को 9 बजे और संडे सुबह 11 बजे, और एवरी वेडनेसडे रात को 9 बजे गुरुकुल के ऊपर, एवरी संडे शाम को 4 बजे एग्रीकल्चर, वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक कृषि और आयुर्वेद, बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो दिन पांच पांच सेशन वीक में कर रहे हैं। अगर आप सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो लोगों को जोड़ने से हम लोग डेली क्लासेस भी शुरू करेंगे। आचार्य जी के ऊपर वो प्रेजर मैं ही दूंगा। आचार्य जी को मतलब हजारों लोगों को जोड़ने से क्या है ना, हम लोग जो है रेगुलर क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो ये है। और बाकी एक आ प्रश्न आया है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ राजेश्वर जी। प्लीज जी, उसमें प्रश्न ये आता है, अभी लिखा है किसी ने कि नए बच्चों के लिए कब शुरू होता है गुरुकुल। इसे पहले भी मुझे पूछा है, प्राचीन गुरुकुल, प्राचीन पहले के जो बच्चे रहते थे, पुरातन बच्चे, उन्होंने भी, हमने अभी निर्णय ये किया है यहाँ के गुरुकुल के सभी मेंबरों ने कि पुराने जो बच्चे हैं जिसको हमने बुलाया है, वो 15 अगस्त के आसपास, 15 से 20 के बीच में आ जाने के लिए तैयारी करें। पुराने जिनको कंटिन्यूस पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, तो उनकी टिकट होते ही वो ग्रुप में रखे, अमित भाई को भेजे या ग्रुप में रख दे। ग्रुप एक बनाया है, वो लोकेश जी अभी संभाल रहे हैं, और मतलब यहाँ पर अमित भाई है वो भी संभाल, राजेश्वर राव जी भी अभी आपको हेल्प करेंगे। उसके ग्रुप में भी रखिएगा कि कब जाना है, तो राजेश्वर राव जी भी आपको हेल्प कर देंगे। ये एक बात है। नए जो लोग हैं उसके लिए संभवतः 25 से लगभग 31 तक, लगभग लगभग सितंबर में नए बच्चों के लिए हम कहेंगे। उसका दिनांक अभी फिक्स नहीं हुआ है। नए लोग हैं वो पहले गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को जान ले, तो आपको यदि लगे आपको यहाँ आने जैसा है, कुछ बच्चों में आपको इंटरव्यू देने जैसा है, तो आप अवश्य सितंबर में आइए। नए जितने भी लोग हैं उनको मैं सितंबर की तारीख बोलूंगा, वो तारीख को टिकट करवा ले, अभी समय है। अगले बुधवार को मैं नए बच्चों के लिए दिनांक कहूंगा। नए बच्चों को जिसको जिसको आना है, वो पहला सिंपल, आप अमित भाई को फॉर्म भेज दे अपना लिख कर। अमित भाई का नंबर है, मैं अमित भाई को कहूंगा प्लीज अपना नंबर रखे फिर से, तो अमित भाई एक ने अभी नंबर रखा है, फिर से वो भी रख देंगे स्क्रीन के ऊपर, नंबर रख देंगे। आपने देखा नंबर आ गया स्क्रीन के ऊपर, तो उसके ऊपर आप थोड़ा अपने बच्चों का जो एक फॉर्म है, वो नहीं है तो मंगा लीजिए इस पर फोन करके, है तो आप भर के भेज दीजिए। भर के एक बार भेजा है तो दूसरी बार भेज दीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपका जाएगा नहीं बहुत कुछ, या पूछ लीजिए कि मिला नहीं मिला, या भेज दीजिए। ये काम आप अभी अगले बुधवार तक कर दीजिए, तो अगले बुधवार तक के जो जो फॉर्म हमारे पास आ जाते हैं वो सभी कुछ ट्रांसपेरेंटली भरिए, छिपाने का कोई वो न करिए। जैसे बच्चे की जितनी उम्र है उतनी ही लिखिए, बच्चे में कोई खामी है तो अवश्य लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्म में लिखते हैं कि बच्चों की प्रतिभा लिखिए, तो सबने तीव्र ही लिखा, तो हमने कहा कि कितना गुरुकुल का भाग्य थे कि सब तीव्र मेधा वाले ही आए हैं, कोई ऐसा मध्यम नहीं लिखता है, मंद नहीं लिखता है, सब तीव्र है। और दोष में लिखते हैं कि कोई बच्चे का दोष है तो बताओ, क्योंकि गुरुकुल तो इसलिए होता है कि यहाँ बीमार होता है तो ही हॉस्पिटल की जरूरत होती है, तो वो लोग लिखते बच्चे में कोई दोष नहीं है, तो हमको वहां आना पड़ेगा सीखने के लिए। यदि दोष नहीं है उसमें तो वो क्यों यहाँ आएगा, हम वहां आएंगे उसके पास, क्योंकि पूर्ण के पास अपूर्ण जाता है, हम अपूर्ण है तो वो पूर्ण के पास जाएगा। तो जो है वो फॉर्म आप भरिए, उसमें चालाकी न करें, कम से कम जो गुरुकुल के पास आपको शिक्षा की अपेक्षा है, विद्या की अपेक्षा है, उसमें कम से कम आप बाहर आप जो करते हो वो ठीक है, यहाँ ये न करें। पहली बात, गुरुकुल से जुड़ना अर्थात विचार से जुड़ना है, तो विचार के जुड़ने की शर्त है आपकी, हर एक बात गुरुकुल की आपको मान्य हो, उसकी जो विचारधारा है वो आपको मान्य हो,
तो बच्चा भी उस मान्यता का बनेगा, ये आप याद रखें। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप गुरु में बिठाए, ऐसा नहीं है स्कूल नहीं है, स्कूल में चलेगा, आप घर पे कुछ भी कर रहे हो, स्कूल पे ऐसा कर रहे हो, ऐसा चलेगा। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बीच में मुसलमान दो तीन लोग आते हैं, वो बताते थे कि भाई हम यहाँ पर तो करेंगे लेकिन घर पे तो हमारा सब कुछ खाएगा पिएगा और ये करेगा। तो मैंने कहा कि इसके लिए स्कूल है, गुरुकुल का व्यवस्था ये है कि गुरुकुल के अनुसार सबको चलना है, क्योंकि मैं भी उस अनुसार चलता था और चला। तो ये पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऋषि मुनियों की दी हुई व्यवस्था है, उसके अनुसार माता पिता को भी बदलना है। नहीं तो आज क्या होता है, सबको राजीव दीक्षित बनाना है अपने बच्चों को, लेकिन खुद को माधुरी दीक्षित बनना है। तो बच्चे को तो राजीव दीक्षित बनाना है, लेकिन मैं गुरुकुल के माता पिता के स्टेटस देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे ये लगता है कि इसका बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, इसके स्टेटस अच्छे ऐसे है, इसके वो क्या बोलते हैं उसको डीपी ऐसे है, उसके क्या 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 कैसे कैसे डीपी रखते हैं, दोनों पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ लगकर बैठे हैं, और हमको कभी शर्म आ जाती है कि इसको मैं बताऊं गुरुकुल के माता पिता या क्या को। तो खास ये ध्यान रखे, आपके बच्चे को गुरुकुल पे भेजना अर्थात जिम्मेदारी से छूटना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए, आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। क्यों, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुकुल को बच्चे को डाल दो, हम फिर मौज करेंगे, कभी पिक्चर देखने जाएंगे, कहीं छूटा है ये एक था तो आचार्य संभाल लेंगे, उसको दे देंगे थोड़े पैसे, और क्या उसको और क्या चाहिए, तो उसको थोड़ा दे देंगे, फेंक देंगे थोड़े पैसे, उसको रहेगा वो भोजन करेगा और दूध वूध नहीं होगा तो उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो ये गुरुकुल नहीं, ये जो आपने सुना होगा वो कहीं और गुरुकुल का होगा। संस्कृति आर्य गुरुकुलम में तो कम से कम आपकी के बालकों को भेजना है, आपको तैयारी रखनी है, आपके ऊपर बोझ बढ़ने वाला है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है बच्चों के प्रति। हम आपको पूछेंगे कि भाई इसको ये नहीं आता है तो आपने घर पे क्यों नहीं सिखाया है, इसको बैठना क्यों नहीं सिखाया, इसको इतना पता नहीं है कि भाई किसके सामने कैसे बैठा जाए, कैसी बातें की जाए, वो आपका दायित्व था घर पे सिखाने के लिए। तो कम से कम थोड़ी तैयारी कर, बच्चों को थोड़ी तैयारी करके, थोड़ा अपने आप को सुधार करके, संयमित रह करके, बच्चों का हम माता पिता है वो सेंस रख करके, एक शैक्षणिक संस्थान है बड़ी व्यवस्था का ये भाव रख के, श्रद्धा रख के, फिर आप गुरुकुल पे आ सकते हैं। तो ये एक मतलब ये था, गुरुकुल कोई म्यूजियम नहीं है, इसलिए देखने नहीं आना। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुकुल देखने आना, मैंने कहा इधर देखना क्या, मैं फोटो भेज देता हूँ आपको खींच कर, देखना आपको क्या है, स्ट्रक्चर ही देखना है, वो मैं फोटो भेज सकता हूँ आपको, खेत कितना बड़ा है, वृक्ष कितने हैं और कैसा है वो देख सकते। गुरुकुल को समझने आना है, ये आप बात याद रखें, भाव याद रखें। आपके बच्चों को यदि इधर बिठाना है तो देखने से ज्यादा समझना है, ये व्यवस्था को समझना है, ये तैयारी के साथ आए। नए बच्चों को 1 सितंबर के बाद मैं दिनांक दूंगा, उसके बाद आपको यहाँ आना है। ये पूरी व्यवस्था को तब तक आप समझते जाइए, कोई भी प्रश्न है तो आप हमको करिए, आपके बच्चे का भी भविष्य जुड़ा है इस व्यवस्था से, मेरा भी जुड़ा है, आपका भी जुड़ा है, तो हम सब मिलकर बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते, इसलिए आप लोग थोड़े सीरियस हो, जैसे राजेश्वर राव जी बताते हैं कि आप सीरियस हो जाए, आप सीरियस हो जाए, कम से कम आप 5-10-15 लोगों को जोड़िए, वो राजेश्वर जी कहते हैं ना आपको बार बार, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप सीरियस हो तो बच्चों को हम अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, अच्छी तरह से उसको बनाएंगे। हमारा प्रयोग है वो पूरा का पूरा भारत, एक आप याद रखिएगा कि ये एक मॉडल के रूप में जाएगा, एक बड़ी व्यवस्था बनकर उभरेगी शिक्षा व्यवस्था, ऋषि का सपना है, जो ऋषि मुनियों का ये प्रसाद है, लेकिन इसके लिए हमको तो तैयार होना पड़ेगा। और कम से कम माता पिता का ऐसा जो आलसीपन है या फिर ऐसा आवारापन है वो तो हम यहाँ गुरु से नहीं चलाने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास हम अपेक्षा रखते हैं बड़ी, तो आप उसी नियम के अनुसार यहाँ पर आए, आप उसी नियम को पालन करते हुए आप यहाँ पर आए, गुरुकुल को समझे और फिर हम साथ में काम करें। जी, और कोई प्रश्न? आचार्य जी, एक्चुअली एक ही बोलना था, अभी क्या है ना, कुछ भी सीखना है तो एक ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी। अभी देखिए, अभी सिंगापुर में है, शिव प्रसाद जी जो है ये सेशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कितने जी लोग समझते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है सिंगापुर में? हाँ, एक बज रहा है, एक एक बज रहा है आदमी, जी, एक बज रहा है सिंगापुर में, क्या है उनका, वो भी सो सकते हैं, वो भी टेकिंग मोड में रह सकते हैं। अभी मेकाल हाँ एजुकेशन सिस्टम तो देना सिखाए ही नहीं, सिर्फ मुझे क्या हाँ मिलेगा लेना ही सिखाया, सिर्फ पार्टिसिपेंट बनते हैं। कितने हाँ लोग, 10 लोगों को फॉरवर्ड करो बोलने से कितने लोग फॉरवर्ड करते हैं? अगर जी हम जी सब लोग मिलके हैं, एक अभी कोई भी चीज जो है इस दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई से चलती है,
आप जो है यही सेशन लाखों करोड़ों लोग देख के हमें मेरे बच्चों को जो है गुरुकुल में ज्वाइन करना है बोलने से गली गली में गुरुकुल खुलता है, क्योंकि डिमांड हो गया, सप्लाई आ जाती है। तो आचार्य जी जी को तो हम आचार्य जी गाइड करेंगे सबको, सिलेबस संस्कृत आर्य गुरुकुल सिलेबस सेट करेंगे, आचार्य जी को एक एक सेट करेंगे, कुछ भी करेंगे हम लोग, लेकिन डिमांड तो बढ़ने में हेल्प कीजिए कम से कम। जी समझ तो इतना तो 10 लोगों को जोड़िए ना, इतना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, इतना पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन से, अगर सच में होने से तो लोग अब मिलके काम करेंगे, एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, क्या अलग अलग जगह गड्ढा खोदेंगे, क्योंकि ये भी नहीं सिखाया हमें कल एजुकेशन सिस्टम तो, यूनिटी भी नहीं सिखाया, बस जी इंडिविजुअल एफर्ट्स, टेकिंग मोड, इनएक्टिव मोड, कितने दिन दिन जी बसी के इनवर्ड होता है। तो परोपकारार्थम इदम शरीरम, बेसिक थिंग है तो दुनिया जी, इसमें क्या है, अभी कोरोना आके तो कब इतना लाइफ टाइम तो और भी कम हो गया, तो जितना दिन जिएंगे तो समाज के लिए जिएंगे ना, मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, कुछ करके जाएंगे भारत के लिए, अलग अलग जगह गड्ढा खोदना देश सेवा नहीं होता है, आप समझिए, मिलके निस्वार्थ भावना से कहीं भी अच्छे काम हो रहे तो आप हाथ जोड़ने से, उसी को बोलते हैं निस्वार्थ सेवा, मिलके काम करेंगे भारत को जो है फिर विश्वगुरु बन, एक ही दिन का काम है सब लोग मिलके करने से, अगर नहीं से गड्ढा बनती है कुआ नहीं बनती है, और भारत तो जो है ऐसे जाता है, घर घर आयुर्वेद पहुंचाएंगे, गो आधार कृषि, कल आचार्य जी बोले थे इकोनॉमी का सेंटर होता है गाय और कृषि, उसके बाद ही गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, अगर गाय और कृषि को हम लोग बोलने से गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगा, वो कलर पेपर के ऊपर नंबर डाल के पेपर मनी समझेगा, तो पेपर मनी कैसे मनी होता है, इट्स जस्ट बंच ऑफ कलर पेपर, तो ये नहीं है रियल मनी, लैंड एंड काउस, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, तो मिलके जो है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को लेके आएंगे, पूरा भारत को जहर मुक्त अन्न खिलाएंगे, अपनी मिट्टी को बदलेंगे, गाय को बचाएंगे, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम वापस लेके आएंगे, और पूरा दुनिया को जो है हम लोग फिर जो है ये ज्ञान फ्री में देंगे, पेपर मनी नहीं चाहिए हमें, हमें जो है पेपर मनी नहीं चाहिए, हम लोग दे देंगे, मिलके करेंगे। तो आप सबसे एक ही विनती है, प्लीज 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 मिलके जो है नेक्स्ट कल संस्कृत फ्री में आ रहा है, फ्री में सिखा रहे आचार्य जी, और बाकी सब्जेक्ट्स में देने के लिए तैयार है, आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा 10 लोगों को फॉरवर्ड तो कीजिए, रिजल्ट हम लोग नहीं पूछ रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेश कदाचन, हम लोग एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, पानी निकला नहीं निकला कृष्ण भगवान का हाथ में है, तो हम लोग क्या है, निमित्त है, तो मिलके करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम लोग कल रात को 9 बजे सांस्कृत का नेक्स्ट इससे मिल रहे हैं, कल आप तो सांस्कृत बुक सजेस्ट करेंगे आचार्य जी, सांस्कृत का बुक सजेस्ट करेंगे कल आप, ओके ओके आचार्य जी, बहुत बहुत